एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है ऑल अबाउट एसईओ टेक्निक्स के बारे में। एसईओ सबको पता चल गया होगा कि एसईओ होता क्या है, लेकिन एक मज़े की बात पता है क्या है कि एसईओ को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन टेक्निक हैं एसईओ करने की। अब आप सबको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि वो तीन तरीके कैसे हैं और क्या डिफरेंस है उन तीनों तरीकों में, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये टेक्निक से पहले थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि सर्च इंजन की एल्गोरिथम के बारे में, चाहे वो गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे एओएल, कोई भी सर्च इंजन हो, उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके बेस पे ये टेक्निक्स हैं जिनका हम एसईओ करते हैं। जैसे ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, आपने इन टेक्निक्स के बारे में हो सकता है सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वाइट हैट एसईओ की। वाइट हैट एसईओ हम कह सकते हैं क्या होता है, एक एथिकल वे, मतलब जिसमें हम सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम है, चाहे वो गूगल की एल्गोरिथम है, चाहे याहू की एल्गोरिथम है, उनकी एल्गोरिथम को माइंड में रख कि जब हम वर्क करते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो जो वो गाइड करते हैं हमें कि आपको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑन पेज में, ऑफ पेज में, टेक्निकल एसईओ इस तरीके से करना है, उस तरीके से जब हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइट हैट एसईओ। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम अच्छे से मेटा को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हेडिंग प्रॉपर देते हैं, उसमें एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारे कीवर्ड हैं उन्हें बहुत जेन्युइन, बहुत नेचुरल वे में अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लेंथी कंटेंट लिखते हैं, जो बैकलिंक्स बनाते हैं वो जनरल होते हैं, लाइक बेसिकली हमारे ऐसे होते हैं कि कंटेंट अच्छा होता है तो लोग शेयर करते हैं, हमारे बैकलिंक्स बनते हैं। और स्टार्टिंग में ये भी होता है कि हम गेस्ट पोस्ट वगैरह के थ्रू भी लाइक बैकलिंक बनाते हैं, उसमें हम प्रॉपर माइंड में रखते हैं कि अपनी ही थीम पे लाइक रिलेवेंट आप बना रहे हैं बैकलिंक्स, आप अच्छी जेन्युइन ट्रैफिक वाली साइट से बैकलिंक बना रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एथिकल वे में आती हैं, जो गूगल हमें गाइड करता है, राइट। अब बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ की। ब्लैक हैट एसईओ इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हम कोई भी सर्च इंजन की एल्गोरिथम को माइंड में नहीं रखते हैं, लाइक उनको रूल्स को ब्रेक करते हैं और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इवन सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो वाइट हैट एसईओ में क्या होता है, गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, वो आपको ये बोलता है कि आपको यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ करनी है वेबसाइट, राइट। और ब्लैक हैट एसईओ में हम सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग करेंगे कि हर जगह आपको कीवर्ड ही कीवर्ड मिलेंगे, कंटेंट कॉपी पेस्ट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लैक हैट एसईओ में आता है, लाइक आप फालतू के बैकलिंक्स बना रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 बैकलिंक बना रहे हैं, तो इस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं वो ब्लैक हैट एसईओ के अंडर में आती हैं, राइट। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी, अगर आपको अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके कीवर्ड स्टेबल रहें, तो ब्लैक हैट एसईओ मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूँगी, मैं आपको बोलूँगी कि आप वाइट हैट एसईओ पे ध्यान दें। ब्लैक हैट एसईओ से आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी डी रैंक हो जाएगी, जैसे ही गूगल को पता चलेगा कि आपने ब्लैक हैट एसईओ किया है, वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज्ड कर देगा, क्योंकि आप उसके रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, राइट। अब थर्ड आता है ग्रे हैट एसईओ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद ये 50-50 होगा कि बीच का, बट नहीं, ग्रे हैट एसईओ बहुत बेटर है। लाइक इसमें क्या होता है, 90-95% वाइट हैट एसईओ होता है और 5-10% ब्लैक हैट एसईओ होता है। तो बेसिकली लोग ग्रे हैट एसईओ ही करते हैं, क्योंकि समवेयर थोड़ा बहुत लाइक हो जाता है ब्लैक हैट एसईओ, चाहे वो ऑफ पेज में हो चाहे ऑन पेज में हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कीवर्ड को जहां पुट कर सकते हैं कर दें, राइट। तो ग्रे हैट एसईओ भी बेकार नहीं है, लाइक इससे ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी, ग्रे हैट एसईओ वर्क करता है एंड गूगल उसको पेनलाइज भी नहीं करता है, क्योंकि आप 90-95% तो वाइट हैट एसईओ यूज़ कर ही रहे हैं। सो ये तीन टेक्निक हैं एसईओ करने की, और इसमें से आपको कौन सी पिक करनी है, वाइट या ग्रे। ब्लैक हैट एसईओ भूल जाइए, आपको ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना है, इवन ब्लैक हैट एसईओ आपको कोई
कोई भी अच्छा डिजिटल मार्केटर आपको प्रेफर नहीं करेगा, आपको नहीं बोलेगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ करो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से एसईओ बताऊँ, और बहुत सारे लोग टॉपिक भी लाइक मेरे को बोलते हैं कि आप इस टॉपिक पर बनाइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये कोर्स स्क्रैच से स्टार्ट है, तो आई वॉन्ट कि लोगों को बेसिक से चीज़ें समझ में आएँ। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, आप ऑन पेज ऑफ पेज कैसे समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको ये टेक्निक्स बताई हैं, जब आपको ये टेक्निक्स ही नहीं पता होंगी तो आप क्या एसईओ कर रहे हैं आपको कैसे पता होगा कि आपका ब्लैक हैट एसईओ है या वाइट हैट एसईओ या ग्रे हैट एसईओ है। तो एक बार ये थियोरेटिकल एक दो वीडियोज आई थिंक और हैं, ये ख़त्म होता है, उसके बाद हम रियल एग्जाम्पल्स के साथ ही वर्क करेंगे, अपना प्रैक्टिकल सेशन पूरा स्टार्ट करेंगे, कीवर्ड रिसर्च से लेके ऑन पेज ऑफ पेज सब कुछ, ऑफ पेज भी इवन कैसे करना है वो भी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़े से पेशेंस रखिए, अभी दो तीन वीडियोस अपलोड किए हैं, ये आई थिंक फोर्थ वीडियो है, तो बेसिक को अंडरस्टैंड करिए, देन हम रियल एग्जांपल्स पे आते हैं। राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी, एंड मेरे को आप सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए। थैंक यू सो मच।